ओम नमो शिवाय। आपका अपने चैनल सांझी वीरा में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास चल रहा है। ये कार्तिक मास का महीना बहुत ज़्यादा पावन होता है। इस महीने में कोई भी यदि कार्य करते हैं तो उसका 100 गुना 1000 गुना 1000 गुना फल मिलता है। तो आइए जानते हैं दीपावली की रात में, दीपावली के दिन में क्या क्या उपाय करें जिससे कि आपको धन की प्राप्ति हो। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनमें से अगर एक भी कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। जानते हैं क्या करना है। सबसे पहले दीपावली के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अपराजिता के पुष्प और अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि चावल का एक दाना भी टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी और भोले बाबा से प्रार्थना करें, इससे आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होगी और आपके घर सारे धन के रास्ते खुल जाएंगे। नंबर दो, दीपावली के दिन किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर माँ की उपासना करें। इसके बाद देवी माँ के सामने 2 सुगंध वाली अगरबत्ती जला दें। बाकी बची हुई अगरबत्ती दान कर दें, मंदिर में भी दे सकते हैं। और वहाँ कोई भी कन्या दिखे तो उसको पैर छूकर कुछ रुपये उसको दे दें और उस कन्या से आशीर्वाद लें। यदि कन्या ना हो तो कुछ पैसे आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। इससे भी आपकी धन संबंधी परेशानी जो चल रही है वह दूर होगी। नंबर तीन, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में चने की दाल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। उसके बाद विनती करें, कामना करें। उसके बाद वह दाल आप पीपल के पेड़ पर ले जाकर चढ़ा और एक नई झाड़ू भी दीपावली के दिन लें। उस झाड़ू को किसी भी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की आप पर बहुत कृपा होती है। मान्यता है देवी लक्ष्मी इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और अपना कार्य करने वालों के घर वास करती हैं। इससे भी आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद शाम को जब लक्ष्मी पूजा करते हैं उसके बाद घर के सभी कोनों में, सभी कमरों में, सभी जगह दीपक जरूर जलाएं। उसके बाद शंख और घंटी बजाकर ध्वनि करें। इससे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद एक दीपक में लौंग डालकर जलाएं और पवन पुत्र हनुमान जी की आरती जरूर करें। इसके बाद उस दीपक को पूजा घर में रख दें या आपके घर के पास हनुमान जी का मंदिर हो तो उसको वहाँ भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। हनुमान जी आपके सारे संकट हर लेते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाता है। तो आप इनमें से कोई एक उपाय जरूर करें। माता लक्ष्मी आपके संकट दूर करेंगी, आपका घर धन धान से भरेंगी, गणेश जी विघ्न हरेंगे, हनुमान जी संकट हरेंगे। ओम नमो शिवाय।